सिस्टम क्रिएट करने के बाद उसका पाइपिंग लेआउट मैन्युअली या फिर ऑटो जनरेट करने के बाद हम जब उस सिस्टम का इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो किसी भी एक पाइप को जो कि उस सिस्टम में उसको सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एनालिसिस टैब जो कि कॉन्टेक्स्चुअल टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सिस्टम इंस्पेक्टर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इंस्पेक्शन को प्लेस करेंगे यहाँ पर एक तो हमें एरो जो कि फ्लो डायरेक्शन दिखाएगा और हम हर जगह पर जहाँ पर भी उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका फ्लो और फिक्सर्स यूनिट कितने फिक्सर यूनिट उसके कवर हो रहे हैं वो बताएगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पर फिक्सर यूनिट 3 हो चुके हैं और फ्लो भी उसका कम होता गया है और यहाँ पर लास्टली 0.3 लीटर पर सेकंड और फिक्सर यूनिट 1.5 हो चुके हैं। तो इस तरह हम सिस्टम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इंस्पेक्ट करने के साथ ही अगर हम उसका डिसकनेक्शन भी अगर हमें देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम पाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो पाइप के जो भी डिसकनेक्शन है वो हमें हाईलाइट हो जाएंगे। मैं इसको फिनिश करता हूँ और यहाँ पर एंड कैप नहीं लगा हुआ है या फिर यहाँ पर भी कनेक्शन उस कनेक्टर के साथ नहीं जॉइंट है जो भी यहाँ पर है वो ओपन कनेक्टर का जो भी एरर है हमें यहाँ वार्निंग दिख जाएगा। इसके अलावा हम चेक पाइपिंग सिस्टम पर भी जब क्लिक करेंगे तब भी हमें एडिशनल एरर्स दिखेगी कि किस वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनेक्टर या फिर कोई ओपन एंड नहीं है तो फ्लो के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमने जो कनेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया था उसका फ्लो अगर हमने फैमिली में नहीं मेंशन किया था तो उसकी वजह से फ्लो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। वो सारी एरर हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि यहाँ पर ओपन कनेक्टर है और यहाँ पर कोई भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके लिए मैं कोई और फ्लोर प्लान भी रिफ़र करता हूँ। ये जो हमने इनिशियल लेवल पर यहाँ पर जो पाइपिंग सिस्टम क्रिएट की थी उसी का अगर मैं 3D व्यू देखूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं चेक पाइपिंग सिस्टम पर क्लिक करूँगा तो एडिशनल वार्निंग भी आएगी क्योंकि यहाँ पर एक के साथ दूसरे और भी कनेक्टर्स है जो कि किसी और सिस्टम को दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर रह रहे हैं कि वाटर सप्लाई हॉट वाटर सप्लाई आर नॉट कनेक्टेड इन अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क ड्यू टू वन और बोथ ऑफ फॉलोइंग देर आर डिसकनेक्ट्स इन सिस्टम फिजिकल नेटवर्क एलिमेंट इन सिस्टम कनेक्टेड मोर देन वन फिजिकल नेटवर्क्स। यहाँ पर हॉट वाटर के अलावा कोल्ड वाटर का भी कनेक्शन है। इसके लिए ऐसी माइनर करेक्शन और माइनर वार्निंग्स भी हमें ये दिखाता है। इसको सॉल्व करने के बाद या फिर यहाँ के कनेक्शन के डिसकनेक्शन देखने के बाद ही हम यहाँ पर प्रेशर लॉस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। उसको जनरेट करने के लिए मैं वापस अपने प्लान में जाऊँगा। यहाँ पर प्रेशर लॉस रिपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे अपनी जो भी सिस्टम है वो दिखाई देगी सेम एज HVAC के प्रेशर लॉस रिपोर्ट की तरह। जितने भी सिस्टम को मुझे देखना है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा और जितनी सिस्टम का मुझे प्रेशर लॉस रिपोर्ट चाहिए उनको मैं सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करूँगा ये मुझे एक डिटेल पूछे सारी डिटेल्स और फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा और डायमीटर भी चाहिए तो मैं उसको ऐड कर लूँगा जो कि लास्ट में है। उसको मैं सबसे अप में ले जाता हूँ। देन यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो भी सेम एज HVAC की तरह ही है। सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, क्रिटिकल पाथ भी दिखना चाहिए, डक्ट जो कि प्रेशर लॉस रिपोर्ट का है, जो हमारी पाइप है स्ट्रेट सेगमेंट है हमारा उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो स्ट्रेट सेगमेंट के लिए मुझे इतना ही चाहिए और जो भी हमारी फिटिंग्स है तो फिटिंग्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए तो फिटिंग्स के लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए। देन डिस्प्ले पैरेलल पंप सेट इंफॉर्मेशन और पंप सेट जो इसका कनेक्टेड है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं और जनरेट करने के बाद ही तुरंत बाद ये प्रेशर लॉस रिपोर्ट ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ रखता हूँ और जनरेट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे नाम दे रहा हूँ पाइप प्रेशर लॉस रिपोर्ट। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इंटरनेट ब्राउज़र में जो भी यहाँ का डिफ़ॉल्ट है उसमें ये प्रेशर लॉस रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर लॉस रिपोर्ट उसका डिटेल सारे प्रोजेक्ट का नंबर ये कोल्ड वाटर के लिए सबसे पहले और यहाँ पर देखोगे कि अगर फिटिंग्स है तो फिटिंग्स के लास्ट में
जैसा कि हमने ऐड किया था वो डिटेल दिखाएगी, और पाइप के अंदर हमने डायमीटर ऐड किया था। इसको मैं ड्रॉप डाउन करके देखता हूँ, सेक्शन ओके, यहाँ पर एक्सटेंड हुए ओके, यहाँ पर कॉस्ट एडिट हो चुकी है, जो भी हमने डाली होगी फिटिंग सी उसके रिलेटेड यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है 100 एंड 150। अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये कॉस्ट कहाँ से डाली हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी कॉस्ट डाली हुई है। इस तरह हम प्रेशर लॉस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।